निषेध है, निषेध है, निषेध है, निषेध है, निषेध है, निषेध है, निषेध है। अच्छा सवाल है आपका। मैं आपको पहले ही बताया कि मैं वेब सीरीज नहीं देखता हूँ और समय नहीं मिल पाता है कि पिक्चर देखने के लिए, तो वेब सीरीज कहाँ देखूं। ये मैंने बताया कि मेरा जब छोटा टीनेजर का बच्चा मेरा जब देख रहा था, उसने बोला कि मिर्जापुर का पापा नाम आ रहा है और मिर्जापुर, ये तो मतलब मिर्जापुर तो मेरा जिला है, क्या बनाए भाई मिर्जापुर में देखूं। सेकेंड पार्ट मैंने देखा, फर्स्ट पार्ट में मुझे बहुत लोगों ने बोला कि इससे ज्यादा गालियां तो फर्स्ट पार्ट में, बहुत खराब सीन दिखाया फर्स्ट पार्ट में। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि सेकेंड पार्ट हो या फर्स्ट पार्ट हो, अभी जो थर्ड पार्ट बना रहे हैं वो भी ऐसे दिखाएंगे ना, ये पहले तो बंद करना चाहिए। और इस तरह से मिर्जापुर एक जिले का, सवाल मेरे एक जिले का नहीं है, आप मुंबई के या इस महाराष्ट्र के, इस देश के किसी भी जिले को आप दिखाओगे और आप लिख दोगे कि ये काल्पनिक है, ये ऐसा नहीं चलता है, हमारे देश में एक सभ्यता है। मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से उनको आज 14 दिनों का टाइम देता हूँ, अगर 14 दिन के अंदर इस पर उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया तो हम, मैं मिर्जापुर का हूँ और मिर्जापुर स्टाइल में ही जो है उनके घरों पे, उनके ऑफिसों पे धरना प्रदर्शन होगा। मेरे वकील से मैंने बात किया है, वकील को बोला है कि कानूनी नोटिस भी उनको हम देने जा रहे हैं, इशू कर रहे हैं कानूनी नोटिस भी। देखो रोकथाम लगाया जाए जी, मैंने गृह मंत्री देशमुख जी हैं उनको भी पत्र लिखा है, उसके बाद हमारे मुंबई अध्यक्ष हैं उनको भी बताया है और मुंबई पुलिस कमिश्नर को बताया, हमारे जो पार्टी के नेता हैं उनको, सभी लोगों को ये बातें बता दिया गया है कि देखिए ऐसा ऐसा, और इसको सभी नेता इस पर सकारात्मक तौर पे उन्होंने कहा कि नहीं ये गलत है और इसको बंद होना चाहिए, और सभी हैं ऐसा नहीं है, बहुत सारी पार्टियां भी बोल रही हैं कि इसमें बंद होना चाहिए। अंदर जो दिखाया गया है कि एक सीएम लेवल का आदमी जेपी यादव करके सीएम बताया गया है, उसके अंदर जो चित्रण किया गया है, सीएम ने जो वहाँ कमेंट किया है एक महिला के ऊपर, वो आपके मुझे नहीं लगता है कि इस मतलब न्यूज़ चैनल पे मुझे बताना चाहिए, वो शब्द बताने लायक नहीं है। आप अगर उस एपिसोड को देखोगे तो आप खुद समझ जाओगे, अगर चाहिए तो आपको क्लिपिंग दे दूंगा। और सेम वैसे ही एक सीएम की लड़की, उसमें विधवा बताया गया, सीएम की लड़की वो खड़ी होती है तो वहाँ का बाहुबली जो है उसको सपोर्ट करता है, बाहुबली और सीएम की लड़की के बीच में जो इंटीमेशन सीन दिखाया गया, उस सीन के बीच में गाली गलौज की बात होती है, वो गाली गलौज आपके माध्यम चैनल से, मैं नहीं चाहता हूँ कि वो चैनल पर क्या गाली दिया है मैं उसको बताऊँ। हाँ, मिर्जापुर मेरे जिले का एक, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश का नाम जिस तरह से खराब किया गया, माँ विंध्यवासिनी के धाम को जिस तरह से बदनाम किया गया है, इस पर मुझे घोर आपत्ति है। जल्द से जल्द प्रोड्यूसर डायरेक्टर और पंकज त्रिपाठी, मैं जानता हूँ पंकज त्रिपाठी जी को बहुत अच्छी तरह से, मुझे ऐसा कहीं से नहीं लगा था कि पंकज त्रिपाठी जी ऐसे पिक्चरों में काम करेंगे, उनको तो खुद ऐसे पिक्चरों का बहिष्कार करना चाहिए, कि बोलना चाहिए था कि पैसे के लिए आप इतना गिर जाएंगे, ये मुझे नहीं पता था कि मेरे जैसा किसी ने देखा नहीं हो या पता ना चला हो उनको। आज मैं आपके प्लेटफॉर्म पे आया हूँ और बता रहा हूँ, तो शायद हो सकता है कि बहुत जल्द, जैसे अनुप्रिया पटेल जी ने आवाज़ उठाई है, मोदी जी को ट्वीट किया है, सीएम साहब को, योगी आदित्यनाथ जी को कंप्लेंट किया है, उसी तरह से धीरे धीरे अब एक एक प्लेटफॉर्म पे सब खड़े होंगे और सभी को, सभी राजनीतिक पार्टियों के इस विषय पे एक होके, एक मत होके आना चाहिए। और ये एचआरडी मिनिस्टर जो होते हैं, एचआरडी मिनिस्टर के अंडर में आता है, ये एक बच रहे हैं कि ये जो है सेंसर बोर्ड के अधीन नहीं आता है, इसका बहाना बना रहे हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि एचआरडी मिनिस्टर को इसके अंदर हस्तक्षेप करना चाहिए और यहाँ की सरकार, जो महाराष्ट्र की सरकार हो या उत्तर प्रदेश की सरकार हो, ऐसे लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करना चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए, ताकि दूसरी बार या दोबारा इस तरह से गंदी हरकत ना करें और इस तरह से गंदी चीज़ें परोसे ना, क्योंकि इस देश में सबसे ज़्यादा अब नौजवान हैं और नौजवान जो देख रहे हैं उनके ऊपर ये गलत इफेक्ट जा रहा है, गलत प्रभाव जा रहा है, और इस दुष्प्रभाव की वजह से देश में अप्रिय घटनाएं घट रही है, बलात्कार जैसी घटनाएं घट रही है, मेरा ये मानना है।